जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, रिसेंटली आपने हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम किया है, तो क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्लेम का जो एक्सपीरियंस, आप 6 दिन हॉस्पिटल में रहे, तो आपका क्लेम सेटलमेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इसमें दो पार्ट है मेरा एक्सपीरियंस बोलोगे तो। एक एक्सपीरियंस था मेडिकल, जो मुझे अटेंशन चाहिए था वो बहुत अच्छा मिला मुझे वहां से। जो बड़ा फ्लॉ है ये, मुझे 12:30 बजे 25 तारीख को सुबह को मुझे बोला गया आप डिस्चार्ज होने वाले हो, और 12:30 से लेके रात को 11:30 तक इनका क्लेम प्रोसेसिंग चालू था, मेल पे बी एक्सचेंज बिटवीन HDFC एंड फोर्टिस के बीच में, और KYC नहीं कर रहे थे लोग। ऐसा रात को 11:30 तक एक चीज रह गई थी, मेरा फोटोग्राफ रह गया था, वो फोटोग्राफ उनको भेज नहीं रहा था उनको, और HDFC लगातार मेरे को ईमेल भेज रहे मेरे को। मैं कोविड के वार्ड में हूँ, मुझे लगातार ईमेल आ रही है, लगातार SMS आ रहे हैं मुझे कि आपका KYC नहीं होगा जब तक आपको ये डिस्चार्ज नहीं दिया जाएगा वहां पर। अब ईमेल आ रही है, जो ईमेल जहां से आ रही है उसमें लिखा है डू नॉट रिप्लाई, तो अगर मैं फोटो भेजना भी चाहूं मैं, तो मैं कहाँ भेजू, मैं SMS का रिप्लाई कहाँ दू, मैं मेरे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। मेरे वार्ड के जो वार्ड ऑफिसर है मुझे अपने रूम के बाहर छोड़ नहीं रहे, वहां नीचे एडमिन में फोन नहीं लग रहा है। तो ये फोर्टिस की एक बेईमानी है जानबूझ के, कि रात के जो जो क्लेम रेज किया था, जो भी पैसों का क्लेम रेज किया था, उनको रात के 12 क्रॉस करना है कैसा भी करके, वो मुझे 12 रुकाना है उनको ऐसा। और HDFC बोलती है जब तक आपका हमको KYC नहीं होगा हम आपको क्लेम पास नहीं करेंगे। KYC सब कुछ हो चुका है, खाली मैं फोटो नहीं भेज रहे। फोटो भी हॉस्पिटल को डे 1 को दिया गया था, लेकिन वो लोग भेज नहीं रहे। ये बदमाशी है फोर्टिस हॉस्पिटल की। और मेरे जो इंश्योरेंस एजेंट है नैना जैसे है, शी हेल्प मी लॉट इन कॉर्डिंग बिटवीन मी एंड HDFC। और उस दिन रात को 11:30 बजे कैसा भी करके नैना ने ईमेल ढूंढ के निकाला, और वहां पे किसी को स्टेशन किया, मेरा फोटो नैना के थ्रू भी गया। मेरे बेटे ने ऑलमोस्ट मुझे क्लर्क की जो नहीं भेजी उसको कुर्सी से उठा के नीचे फेंका उसको, उसके पीछे से मेरे बेटे ने वहां भिजवाया, और 11:40 को मेरा क्लेम पास हो गया और 11:40 को डिस्चार्ज किया गया। उसके बाद भी लोग ना डिले कर रहे थे जान बच्चे हॉस्पिटल वाले कि रोक के रखे। अभी नर्स बोलती है मुझे आपको पोस्ट डिस्चार्ज मेडिसिन बताना है, कोर्स बताना है, कैसे भी करके इनको 12 बजाने थे, लेकिन 11:50 को मैं वहां से निकला। वहां से फिर बोलते व्हील चेयर नहीं हमारे पास, मौसी ने नीचे लेके जाने के लिए, वॉचमैन नाटक कर रहा है, वो गेट पे जो आदमी बैठा वो नाटक कर रहा है, कैसे भी कर इनको रुकाना, 12 बजाने थे उनको कैसे भी कर, ताकि एक भी का पैसा और लगाए। इंश्योरेंस तो मिल गया इनको, इंश्योरेंस पैसा दे दिया, लेकिन मेरे से और पैसे कैसे निकले पर्सनली, वो उनका इंटेंशन था, जो मुझे बहुत बुरा लगा एक्सपीरियंस में। लेकिन कैसे भी करके मेरे बेटे की मेहनत की वजह से, मेरे बेटे की सूझबूझ की वजह से, नैना के सपोर्ट से, एग्जैक्टली 11:50 मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बाहर निकला और अपने घर आ गया मैं। इंदर जी, हम बात कर रहे हैं आपके हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम की, तो आपकी आपकी दिक्कत किससे रही? आपकी दिक्कत इंश्योरेंस कंपनी से रही या आपकी दिक्कत हॉस्पिटल से रही? दोनों से है मेरी। हॉस्पिटल मेरा KYC डॉक्यूमेंट जो चाहिए हमारे इंश्योरेंस एजेंट को वो भेज नहीं रहे, और इंश्योरेंस एजेंट बोलता है कि हमको हॉस्पिटल से ही चाहिए हमको ऐसा। तो ये कहाँ का नियम है कि हॉस्पिटल फोटो भेजना चाहिए उनको, मैं नहीं भेज सकता उनको, और मैं भेजना चाहूं भी तो भेजू कैसा? देयर इज नो नो मीडिया टू सेंड, ना ईमेल है मेरे पास, ना कोई जरिया है मेरे पास। तो दोनों से मेरी शिकायत है कि ऐसा HDFC मुझसे डायरेक्ट क्यों नहीं डील कर सकते, भाई तुम फोटो भेज दो मुझे, मैं क्यों नहीं भेज सकता उनको, हॉस्पिटल से क्यों चाहिए उनको? तो ये इंश्योरेंस कंपनी समझती नहीं है कि उनका भी एक दिन का लॉस हो सकता है ना, उनका भी पैसा जा सकता है। जो कंपनी इंश्योरेंस क्लेम पास कर रही है पैसा उनका ही जा रहा है ना पैसा, अगर ये सिंप्लिसिटी बना देंगे तो उनका पैसा ज्यादा बचेगा। तो इंदर जी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूं। आप ये बोल रहे हैं कि आज आपका डिस्चार्ज का दिन था, जिस दिन आपका डिस्चार्ज का दिन था उस दिन एक डॉक्यूमेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको जो है एक डॉक्यूमेंट के वजह से आपका क्लेम सेटल नहीं कर रही है, करेक्ट, और हॉस्पिटल जो है वो डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचाने में आपकी मदद नहीं कर रहा है, एक डॉक्यूमेंट। तो आपको क्या लगता है, ये ऐसा होने में हॉस्पिटल का या इंश्योरेंस कंपनी का इंटेंशन क्या था, या हॉस्पिटल देखो का आप, इंटेंशन ये है कि एक दिन और बढ़ना चाहिए तो उनका एक मुझे दिन लगता का? है, मुझे तो पक्का यही लगता है जिस तरह से परेशान किया गया हॉस्पिटल में, कि उनको एक दिन और रुकाना है क्लेम पास होने के बाद में। ये हॉस्पिटल का इंटेंशन, और इसके वजह से, और जनरली इंदर जी ये चीज जो है जनरली ज्यादातर क्लेम में ये चीज देखी जाती है कि जिस दिन डिस्चार्ज का वक्त होता है उस दिन कस्टमर को वेट करना ही पड़ता, वेट करना ही पड़ता है, हालांकि वो 4 दिन 5 दिन 6 दिन हॉस्पिटल में रहा है, 2 दिन तब क्यों हॉस्पिटल नहीं में रहा किया? है, 3 दिन, तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन तभी का तभी खत्म भी हो सकता था, लेकिन लास्ट बिल्कुल दिन में ड्यू टू दिस एक दिन आगे बढ़ ही जाता है।
तो क्या इसमें आप इंश्योरेंस कंपनी को भी डिफॉल्टर मानते हैं, उनकी बिल्कुल मानता हूं उनका मैं भी आपको। उसमें कैसे? ये एचडीएफसी ने पहले केवाईसी क्यों नहीं किया? फॉर्म भरना है तो पहले फॉर्म क्यों नहीं भरा के लिया मेरे से? 8 दिन था ना अस्पताल में मैं, रात को क्यों याद आया उनको 7:30 बजे की आपको फॉर्म भर के दो और फोटो लगा के एक्रॉस दो, फोटो सही करके दो करके, पहले क्यों नहीं किया लोग ने? दोपहर 12:30 बजे क्यों नहीं किया तब ये? करेक्ट करेक्ट, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब 6 दिन वहां पर एडमिट रहे तो ये डॉक्यूमेंटेशन क्लेम तो पहले ही कर दिया था, यस क्लेम तो पहले ही कर दिया था, तो हाँ, ये उन्होंने सारा जो अप्रोक्सी प्रोसेस, जो रिक्वायर्ड चीजें थी वो अप्रोक्सी उन्होंने पहले क्यों नहीं मांगी? करेक्ट अप्रोक्सी में जो हॉस्पिटल जो अप्रोक्सी में बिलिंग होना था वो बिल तो उन्होंने ऑलरेडी ऐसा अप्रोक्सी में पास करा के लिया था अपना। करेक्ट करेक्ट, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए इंदर जी, ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका क्लेम तो सेटल हुआ, यस समय पर आपका क्लेम सेटल हुआ, ओनली थिंग इज आपको जो है तकलीफ हुई थोड़ी सी, डॉक्यूमेंटेशन देने में तकलीफ हुई, जो समय पर आपको वहां से एग्जिट करना था वो समय पर आप एग्जिट नहीं कर पाए, तो ये एक थोड़ा सा लूप होल है हमारे सिस्टम में। तो बिल्कुल आप क्या मैसेज, आप ये जो आपको तकलीफ हुई, इसके ये तकलीफ का आप मैसेज किस तक पहुंचाना चाहते हैं और क्या एग्जैक्टली मैसेज पहुंचाना चाहते हैं इंदर जी? एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं मैं हॉस्पिटल्स को और इंश्योरेंस कंपनी को। अगर किसका कैशलेस अगर ऐसा इंश्योरेंस है तो जिस दिन वो पेशेंट हॉस्पिटल एडमिट होता है उसी दिन उसका केवाईसी हो जाना चाहिए उसका। तो केवाईसी ये हो मेरा जाना एक है, चाहिए, या जो भी रिक्वायर्ड जो भी डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट जिनको जरूरत है, जो भी आपका प्रोसेस है वो आप शुरू में ही कर लीजिए, स्टार्टिंग में हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी दोनों जिम्मेदार है इसके लिए। हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी, और इसके पीछे इंटेंशन यही है आपको लगता है कि उनको अपना दिन बढ़ाना है, बिल्कुल और कहीं ना कहीं इसमें आपको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी भी हॉस्पिटल के साथ में जुड़ी हुई है। मैं कंपनी नहीं बोलता, सपोज वो कंपनी का मालिक है, इंश्योरेंस का मालिक है, वो क्यों चाहेगा उसका पैसा ज्यादा जाए? लेकिन इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ना, वो लोगों को समझना चाहिए कि उनके कंपनी का पैसा जा रहा है। अगर उनको जेब से देना होता तो ऐसे करते क्या वो? ठीक सही बात है। और है, मेरा करेक्ट दूसरा मैसेज है आम पब्लिक के लिए, आम पब्लिक को ये जानते होने चाहिए कि आप जिस दिन किसी हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हो यू मेक श्योर दैट आप डे वन ही आप अपना केवाईसी जो भी डॉक्यूमेंट पहले ही करके ले आओ। जो मुझे पता नहीं था, अब मुझे लगा है कि फ्यूचर में ऐसा होगा तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन अपना खत्म कर दूंगा पहले, उसके बाद में मेरा इलाज कराऊंगा मैं। बढ़िया। लेकिन इंदर जी एक बात तो है कि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, हालांकि आपको तकलीफ हुई, आपको क्लेम प्रोसेस में आखिरी दिन थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन जो सबसे बड़ी तकलीफ थी कि इमरजेंसी के वक्त जब मैं बीमार पड़ गया हूं, मेरा एक अननेसेसरी का जो खर्चा क्रिएट हुआ है उस खर्चे को इंश्योरेंस कंपनी ने बेयर कर, ये एक बहुत बड़ी सुविधा हुई आपको। तो ये जो एक बहुत बड़ी सुविधा हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, इस सुविधा के बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो कहता हूं आपके लाइफ इंश्योरेंस है या जो भी इंश्योरेंस है, सबसे पहले आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है आपके लिए। बिकॉज लाइफ में जब दिक्कत आती है, इमरजेंसी आती है, आपको एडवांस नोटिस नहीं देने वाली, वो सीधा के दरवाजा खटखटाएगी आपका कि मैं आ गया हूं। तो आपके लिए अपना डिफेंस सिस्टम आपके पास होना चाहिए।